नमस्कार, मैं हूं प्रियंका। आप देख रहे हैं वीरी टीवी भारत। खंडवा उपचुनाव में प्रचार के आखिरी पड़ाव में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और राजस्थान सरकार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट आज बड़वा विधानसभा के सनावद में एक मंच पर रहे। बुधवार को कार्यक्रम से एक दिन पूर्व चुनाव प्रचार की जिम्मेदारी संभालने वाले सभी नेतागण खंडवा में एकत्रित हुए। बड़वा क्षेत्र में गुर्जर राजस्थान सरकार के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट की पहली सभा पंधाना विधानसभा क्षेत्र के 6 गांव माखन में हुई, जिसमें सचिन पायलट ने जमकर केंद्र सरकार और राज्य सरकार पर निशाना साधा। पूर्व में कांग्रेस के विकास कार्य को गिनाया तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समय किस प्रकार देश महंगाई, बेरोजगारी और मंदी के दौर से गुजर रहा है ये बताया। किसानों की क्या हालत है इस पर भी अपनी बात रखी। उपचुनाव में जैसा बाकी वक्ताओं ने कहा, एक सांसद बनने से या दो विधायक बनने से कोई सरकार बदल नहीं जाएगी, प्रधानमंत्री बदल नहीं जाएंगे, शासन बदलेगा नहीं। लेकिन पिछले 2.5-3 सालों के अंदर केंद्र की सरकार ने, भाजपा के हमारे साथियों ने इस प्रदेश के साथ और देश के साथ क्या किया है उसका लेखा जोखा देखने का समय। आप सब जानते हो 7.5 साल से केंद्र में बीजेपी की सरकार है और मुझे याद है 2014 के चुनाव में लोकसभा के चुनाव प्रचार में भाजपा ने बहुत बार कहा कि कांग्रेस और यूपीए की सरकार ने 10 साल में हमारे लिए कुछ नहीं किया। बेरोजगारी, महंगाई, किसान, नौजवान के बारे में बहुत सारी बातें बोली और कहा कि ये मिलीजुली सरकार है इसलिए केंद्र से यहां कठोर निर्णय नहीं ले पाते। जनता ने मौका दिया भाजपा को, जनता मन बना चुकी है भारी बहुमत से चुनाव में प्रदेश में और पूरे देश में जो चुनाव हो रहे हैं वहाँ कांग्रेस पार्टी जीत कर जाएगी। सभी 36 कौम कांग्रेस पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं और मुझे लगता है कि भाजपा की भी जो पोल है खुल रही है। अभी जो गवर्नर साहब हैं मलिक साहब, उन्होंने खुलकर कहा कि गोवा की सरकार भ्रष्टाचार करती थी। एक संवैधानिक पद पर बैठा गवर्नर ये बोल रहा है कि जिस राज्य का मैं गवर्नर था उस राज्य के मुख्यमंत्री सरकार ने ओपन करप्शन किया है। मुझे लगता है इस प्रकार की बातें सामने आने से स्पष्ट हो गया कि भाजपा की सरकार जो गोवा की है उस मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए, उनको सरकार को बर्खास्त करना चाहिए। इस सभा में कांग्रेस प्रत्याशी राज नारायण सिंह, अरुण यादव, पूर्व मंत्री डॉक्टर मनीष मिश्रा, वरिष्ठ नेता कुंदन मालवीय, इंदल सिंह पवार आदि कांग्रेसी नेता भी शामिल हुए। खंडवा से मनीष गुप्ता की रिपोर्ट।